कानून के खिलाफ बीते 55 दिनों से जारी संगठनों के साथ 10वें दौर की बातचीत आज सरकार के साथ किसानों की होगी। भाई आपको बता दें कि सरकार इस बैठक में किसानों से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली न करने का अनुरोध करने के साथ ही फिर से कानूनों के प्रावधान पर चर्चा का प्रस्ताव देगी। वहीं ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसान नेताओं को दिल्ली, यूपी और हरियाणा की पुलिस मना नहीं पाई है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को सुबह 11 बजे से शुरू हुई तकरीबन एक घंटे की बैठक में किसान नेताओं से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा, मगर किसान फिर भी नहीं माने। वही माना जा रहा है कि अगली बैठक एक या दो दिन में फिर से होगी। वही तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति की मंगलवार को पहली बैठक पूसा परिसर में हुई, जिसमें यह तय किया गया है कि समिति किसानों के साथ 21 जनवरी को पहली बैठक करेगी, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें कि जो किसान बैठक में नहीं आ सकते हैं उनकी राय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि सरकार इस बैठक में किसानों से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली न करने का अनुरोध करने के साथ ही फिर से कानूनों के प्रावधान पर चर्चा का प्रस्ताव देगी। वह किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं और किसान नेताओं को दिल्ली, यूपी और हरियाणा की पुलिस अब तक नहीं मना पाई है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को सुबह 11 बजे से शुरू हुई तकरीबन एक घंटे की बैठक में किसान नेताओं से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा, मगर किसान फिर भी नहीं माने। वही माना जा रहा है कि अगली बैठक एक या दो दिन में फिर होगी। वही तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति की मंगलवार को पहली बैठक पूसा परिसर में हुई, जिसमें यह तय किया गया है कि समिति किसानों के साथ 21 जनवरी को पहली बैठक करेगी, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें कि जो किसान बैठक में नहीं आ सकते हैं उनकी राय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ली जाएगी। पश्चिम बंगाल में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में कोहरे के कारण मंगलवार देर रात जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी शहर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। पश्चिम बंगाल में कोहरे का लगातार सितम देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में कोहरे के कारण मंगलवार देर रात जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी शहर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग घायल भी हुए हैं इस हादसे में। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वही विस्तृत जानकारी की अभी प्रतीक्षा है। वहीं आपको बता दें कि जो बाइडेन आज से संभालेंगे अमेरिका की कमान। अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनेंगे जो बाइडेन। आपको बता दें कि जो बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर है। जो बाइडेन आज से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की कमान इनके हाथों में होगी। कहने को तो 78 वर्षीय बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे, पर उनकी शख्सियत को समझा जाए तो उम्र महज उनके लिए एक आंकड़ा भर है। जुनून, संघर्ष और बदलाव का मादा उनमें उतना ही है जितना 29 साल की उम्र में सबसे युवा सीनेटर बनने के वक्त था। वह 6 बार सीनेटर चुने गए हैं। उन्हें करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि उनके इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे कोई फलसफा और ताकत है तो वह है। उनका लोगों से गहरा जुड़ाव और संवाद में ईमानदारी है। वहीं आपको बता दें कि 78 वर्ष की उम्र में अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनेंगे जो बाइडेन, पर उनकी शख्सियत को समझा जाए तो उम्र महज उनके लिए एक आंकड़ा भर है।
जुनून, संघर्ष और बदलाव का मादा उनमें इतना ही है जितना 29 साल की उम्र में सबसे युवा सीनेटर बनने के वक्त था। आपको बता दें कि जो बाइडेन 6 बार सीनेटर चुने गए हैं, उन्हें करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि उनके आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे कोई फलसफा और ताकत है तो वह है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के जहां पर जो बाइडेन शपथ लेने वाले हैं वहां पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। साथ ही आपको बता दें कि जो बाइडेन 6 बार सीनेटर चुने गए, उन्हें करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि उनके आज इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे कोई और ताकत नहीं बल्कि वो खुद है। उनका लोगों से गहरा जुड़ाव और संवाद में ईमानदारी है। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज महत्वपूर्ण फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला लिव इन रिलेशनशिप पर सुनाया फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला दूसरे पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता। किसी अन्य पुरुष अथवा स्त्री के साथ रहने पर वह शादीशुदा भारतीय दंड संहिता की धारा 494/495 के अंतर्गत अपराधी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि परमादेश विधिक अधिकारों को लागू करने या संरक्षण देने के लिए जारी किया जा सकता है, किसी अपराधी को संरक्षण देने के लिए नहीं। यदि अपराधी को सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है तो यह अपराध को संरक्षण देना होगा। कानून के खिलाफ कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। आपको बताने की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला दूसरे पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता। किसी अन्य पुरुष अथवा स्त्री के साथ रहने पर वह शादीशुदा भारतीय दंड संहिता की धारा 494/495 के अंतर्गत अपराधी मानी जाती है। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि परमादेश विधिक अधिकारों को लागू करने या संरक्षण देने के लिए जारी किया जा सकता है, किसी अपराधी को संरक्षण देने के लिए नहीं। यदि अपराधी को सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है तो यह अपराध को संरक्षण देना होगा। कानून के खिलाफ कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। क्या 26 कोर ट्रैक्टर रैली निकाल पाएंगे किसान, इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। जी हाँ, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाल पाएंगे किसान, इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है। कृषि कानूनों के खिलाफ में दिल्ली की सीमाओं पर इस कड़ाके की ठंड में पिछले 2 महीनों से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और 26 जनवरी को ये किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च कर पाएंगे या नहीं, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। हालांकि इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया था कि 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है और यह फैसला करने का पहला अधिकार दिल्ली पुलिस को है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए और किसे नहीं, इसका पहला अधिकार दिल्ली पुलिस को है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को एक किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च कर पाएंगे या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। हालांकि इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है और यह फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है।
राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए और किसे नहीं, इसका पहला अधिकार दिल्ली पुलिस को दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में किसान ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने किसानों को लेकर हंगामा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे या नहीं, इस पर अपना फैसला सुना सकता है। हालांकि इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया था कि 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है और यह फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है कि राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए और किसे नहीं। वहीं आपको बता दें ठंड के साथ एलएसी पर शांति बरकरार है, साथ ही भारतीय सैनिकों में सतर्कता की कमी भी नहीं है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर मई 2020 से पसरे तनाव में कुछ नरमी के संकेत हैं। वैसे पिछले महीने महीने से आधिकारिक तौर पर दोनों देशों में ना तो विदेश मंत्रालय के स्तर पर कोई बात हुई है और ना ही सैन्य स्तर पर। इसके बावजूद अधिकारियों का कहना है कि पहले से बेहतर समझ बनी है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि दोनों तरफ से सैन्य वापसी को लेकर कोई घोषणा जल्द होगी, लेकिन दोनों पक्ष यह मान रहे हैं कि शून्य से बेहद नीचे के तापमान पर सैन्य तैनाती की ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों की सतर्कता में कोई कमी नहीं है और ना ही भारत के स्टैंड में कोई बदलाव आया है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने से आधिकारिक तौर पर दोनों देशों में ना तो विदेश मंत्रालय के स्तर पर कोई बात हुई है और ना ही सैन्य स्तर पर। वहीं इस कड़ाके की ठंड में एलएसी पर भारतीय सैनिक लगातार डटे हुए हैं। भारतीय सैनिकों की सतर्कता में कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के साथ एलएसी पर आजकल शांति नजर आ रही है। इसके बावजूद अधिकारियों का कहना है कि पहले से बेहतर समझ बनी है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि दोनों तरफ से सैन्य वापसी को लेकर कोई घोषणा जल्द होगी, लेकिन दोनों पक्ष यह मान रहे हैं कि शून्य से बेहद नीचे के तापमान पर सैन्य तैनाती की ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों की सतर्कता में कोई कमी नहीं है और ना ही भारत के स्टैंड में कोई बदलाव आया है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मई 2020 से पसरे तनाव में कुछ नरमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पिछले एक महीने से आधिकारिक तौर पर दोनों देशों में ना तो विदेश मंत्रालय के स्तर पर कोई बात हुई है और ना ही सैन्य स्तर पर। इसके बावजूद अधिकारियों का कहना है कि पहले से बेहतर समझ बनी है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि दोनों तरफ से सैन्य वापसी को लेकर कोई घोषणा जल्द होगी, लेकिन दोनों पक्ष यह मान रहे हैं कि शून्य से बेहद नीचे के तापमान पर सैन्य तैनाती की ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों की सतर्कता में कोई कमी नहीं है और ना ही भारत के स्टैंड में कोई बदलाव आया है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मई 2020 से पसरे तनाव में कुछ नरमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले एक महीने से आधिकारिक तौर पर दोनों देशों में ना तो विदेश मंत्रालय के स्तर पर कोई बात हुई है और ना ही सैन्य स्तर पर बात हुई है। इसके बावजूद अधिकारियों का कहना है कि पहले से बेहतर समझ बनी है दोनों देशों में। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि दोनों तरफ से सैन्य वापसी को लेकर कोई घोषणा जल्द की जाएगी, लेकिन दोनों पक्ष यह मान रहे हैं कि शून्य से बेहद नीचे के तापमान पर सैन्य तैनाती की ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों की सतर्कता में कोई कमी नहीं है और ना ही भारत के स्टैंड में कोई बदलाव आया है। वहीं आपको बता दें कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का आज प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई।
सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर के गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खास मौके पर गुरु गोविंद सिंह को याद किया है और उन्हें नमन किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने ट्वीट में लिखा कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने अपनी जिंदगी को समाज में समानता लाने के लिए खपा दिया। हम सब उनके बलिदान और साहस को नमन करते हैं। पीएम मोदी की ओर से एक अन्य ट्वीट में लिखा गया, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी हमारे कार्यकाल में आया, जिसे हमारी सरकार ने बेहतरीन तरीके से मनाया। पीएम मोदी ने इस मौके पर अपने पुराने भाषणों की क्लिप भी साझा की, साथ ही पंजाबी भाषा में ट्वीट कर बधाई भी दी। आपको बता दें कि सिखों के 10वें और अंतिम धर्म गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दिन को प्रकाश पर्व या फिर गुरु पर्व के रूप में जाना जाता है। इस खास मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में खास आयोजन हो रहा है और साथ ही गुरुद्वारे में भक्तों का तांता लगा हुआ है। गुरु पर्व के मौके पर श्रद्धालु सरोवर में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। साथ ही देश के अन्य कई इलाकों में बड़े धूमधाम से जश्न जारी है और साथ ही प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है। आपको बता दें कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर के गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खास मौके पर गुरु गोविंद सिंह जी को याद किया है और उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने ट्वीट में लिखा, गुरु गोविंद सिंह के जी के प्रकाश पर्व पर मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने अपनी जिंदगी को समाज में समानता लाने के लिए खपा दिया। हम सब उनके बलिदान और साहस को नमन करते हैं। साथ ही पीएम मोदी जी के अगले ट्वीट में लिखा गया, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी हमारे कार्यकाल में आया, जिसे हमारी सरकार ने बेहतरीन तरीके से मनाया। पीएम मोदी ने इस मौके पर अपने पुराने भाषणों की क्लिप भी साझा की थी, जिसमें वो पूरी तरह से पंजाबी लुक में नजर आ रहे थे। साथ ही पंजाबी भाषा में ट्वीट कर उन्हें बधाई भी दी। आपको बता दें कि सिखों के 10वें और अंतिम धर्म गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दिन को प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में भी जाना जाता है। इस खास मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में खास आयोजन हो रहा है और साथ ही साथ भक्तों का तांता लगा हुआ है। गुरु पर्व के मौके पर श्रद्धालु सरोवर में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। साथ ही देश के अन्य कई इलाकों में बड़ी धूमधाम से जश्न जारी है और प्रभात फेरी निकाली जा रही है। आपको बता दें कि गुरु पर्व सिखों का एक खास पर्व होता है, जिसमें वो बड़ी धूमधाम से जश्न मनाते हैं और साथ ही प्रभात फेरी भी निकालते हैं। गुरु पर्व के मौके पर श्रद्धालु सरोवर में डुबकी लगाने भी जाते हैं। साथ ही इस खास मौके पर के स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में खास आयोजन किए जाते हैं और साथ ही साथ सिख लोग गुरुद्वारे में भक्त बन के जाते हैं। आपको बता दें कि इस दिन को प्रकाश पर्व के साथ साथ गुरु पर्व भी कहा जाता है। इसी के साथ ही अभी के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीसी स्टार न्यूज़। नमस्कार।